दसवीं कक्षा में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं हूं आर बाबूराज जैन, आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में संकलित स्पर्श भाग दो के काव्य खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं पांच महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? और इस प्रश्न का उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न रहने से तन शीतल रहता है तथा मीठी वाणी सुनने वालों को सुख की अनुभूति होती है, इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? और इस प्रश्न का उत्तर है, मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की है कि हे ईश्वर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था तथा भक्त प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए ही आपने निरसंहार अवतार लिया था, उसी तरह मुझे भी सांसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगह दीजिए। प्रश्न नंबर तीन, मनुष्यता कविता में कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार संसार नश्वर है, जिस मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। जिस मनुष्य के मरने के बाद लोग उसके सत्कार्यों के लिए उसे याद करें, जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। प्रश्न नंबर चार, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है, तेज वर्षा होती है, जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता है तो दर्पण जैसा लगता है, पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा है, पर्वतों पर बहते झरने मानो उनका गौरवगान गा रहे हैं, लंबी लंबी वृक्ष आसमान को निहारते चिंता मग्न दिखाई दे रहे हैं, अचानक काले काले बादल घिर आते हैं, ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं, कोहरा धुएं जैसा लगता है, इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठकर नए नए जादू दिखाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर पांच, आत्मत्राण कविता में कवि विपदा में ईश्वर से क्या चाहता है और क्यों? आत्मत्राण कविता में कवि विपदा में ईश्वर से चाहता है कि वह
उसकी विपदा दूर नहीं करें, अपितु उसे विपदाओं से पार उतरने की शक्ति दे, ताकि विपदा में भी उसका आत्मबल, हिम्मत, साहस और बल पौरुष बना रहे। साथ ही ईश्वर पर से उसका विश्वास डिगे नहीं। कवि ईश्वर से साहस मांग रहा है, जिससे वह दुखों का सामना कर सके। इन पांच प्रश्नों के साथ ही इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को समाप्त करता हूं और अन्य प्रश्नोत्तर माला के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।